Drinking is injurious to health. हर पवित्र क्षेत्र की स्थापना के पीछे एक कहानी होती है। इस क्षेत्र की भी एक कहानी है। ये कहानी है श्री कृष्ण देव राय के वंशज। काशीपुर नाम के गांव में जगत सिंह ठाकुर और सीता के पुत्र श्री नाग पंचम नारायण की। पंचम नारायण को श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान ने सपने में आकर दर्शन दिया। उन्होंने उसे बताया कि काशीपुर के पहाड़ पर वो एक मूर्ति बनकर बैठे हैं और वो उसके लिए क्षेत्र बनाए। तब मूर्ति को नीचे लाकर क्षेत्र का निर्माण किया गया। राजा ने लक्ष्मी नरसिंह के मंदिर के लिए हजारों एकड़ की जमीन और हीरे जवाहरात दान के रूप में दिए और फिर अचानक एक आफत चली आई। पता चला कि हीरे जवाहरात के लिए मूर्तियों को ध्वस्त किया जा रहा है। राजा द्वारा स्थापित लक्ष्मी नरसिंह भगवान की मूर्ति को किसी भी हानि से बचाने के लिए, ताकि गांव में कोई आफत ना आए, गांव के लोगों ने मूर्ति को पहाड़ के अंदर छुपा दिया। लक्ष्मी नरसिंह भगवान की मूर्ति को दोबारा स्थापित करने के लिए, ताकि गांव वालों की जिंदगी में खुशियां दोबारा आ सके, वो उसका इंतजार पीढ़ी दर पीढ़ी हजारों सालों से करते आ रहे हैं। वरना मैं तुम पे गोली चला दूंगा। हेलो। हाँ सर, चंदन सर, जस्ट अभी अभी अरेस्ट किया है, इंडिया ही लेकर आ रहा हूं सर। यस सर। हेलो 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 सर, वन सेकंड सर, यहाँ पर सिग्नल्स वीक हैं। वन सेकंड सर, होल्ड ऑन, कम हियर। एक्सक्यूज मी। यस, शी इज अ बिग क्रिमिनल सर, कैन यू जस्ट होल्ड फॉर अ फ्यू सेकंड सर, आई विल मेक अ कॉल एंड कम बैक। ओके ओके, डोंट लेट हर गो। श्योर। हेलो। हाँ सर, अभी वो मुझे अकेले ही मिली है। इंट्रोगेट करने पर पूरी गैंग का पता चल जाएगा। यस सर, मुझसे अब कोई नहीं बच सकता। यस सर। हेलो पुलिस ऑफिसर, she is escaping. What nonsense? Are you partners? What are you talking? I told you not to let her go. I shoot you. You nonsense? This is not my job. I was just helping you. What? I'm a policeman. I will kick you. Relax, sir. Relax, relax. We are just doing a program. Look there. Hi. Hi. We are from a channel. Yeah. Are you partners? No. We are life partners. You both are getting married. Yeah. Congratulations. Thanks. God bless you. Thank you. Look, give me a pose. बुढ़ा डर गया साला। इस बुढ़े को क्या बोला? हम लाइफ पार्टनर्स हैं? हाँ। क्यों? नहीं है? कैसे होगा चंदन? पापा को मनाने के लिए बड़े पापा को कहा है। इतना क्यों डरती हो? ऐसा नहीं है बाबा, बहुत रिस्पेक्ट है। तुम्हें मेरे पापा के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। हेलो, मेरे पापा कौन है पता है? विश्वनाथ ठाकुर, द ग्रेट रॉयल फैमिली। इसलिए मैं वहां जो भी काम करता था वो मेरे पापा को पसंद नहीं आता था, इसलिए जो मुझे पसंद है वो थ्रिल प्रोग्राम्स मैं यहां आकर कर रहा हूं। अभी सोहिनी मिल गई है और प्यार हो गया है, ऐसा अपने पापा से बोलकर शादी के लिए हां करवा दूंगा। ओके। हेलो चंदन सर, बस अभी अरेस्ट किया है, इंडिया ही ला रहा हूँ सर। हेलो हेलो हेलो, वन सेकंड सर, सिग्नल्स आर वेरी वीक हियर, कम हियर। सर एक्सक्यूज मी सर, शी इज अ वेरी बिग क्रिमिनल, कैन यू प्लीज होल्ड फॉर अ मिनट, आई जस्ट मेक कॉल एंड कम बैक। थैंक्स, डोंट लेट हर गो प्लीज। हेलो। हाँ सर।
Who are you? Sir, I'm Chandan, sir. Where are you from? I'm from India, sir. I work for a TV channel, sir. This guy tried to kidnap my girl, sir. Is it? Yes, sir. He's a notorious criminal. Shafal. Yes, sir. Catch him. Okay, gentlemen. Sir. Thank you, India. Thank you, sir. Sohini? Hey, Sohini! Sohini! Fill the details here, please. Yeah. What's the patient's name? Sohini Agrawal. Father's name? Mahendra Agrawal. Sohini? Kya hua ise? What happened, doctor? You know her? Yeah. इस लड़की का दिल बहुत कमजोर है. She can't resist anything. किसी भी तरह का शॉकिंग न्यूज इन्हें मत दीजिएगा, ओके? सोहिनी. सोहिनी डार्लिंग, वी आर गोइंग टू इंडिया. टिकट्स आर कंफर्म. लेकिन हमारी शादी का टिकट अभी तक कंफर्म नहीं हुआ ना? तुम हमेशा शादी का क्यों टेंशन लेती हो? मेरी स्वीट सोहिनी क्यों टेंशन ले रही हो? चलो मुझे स्वीट से किस दे दो. ए! शादी के बाद ये सब कभी भी कर सकते हैं. अरे यार, तुम मेरी बीवी बनोगी ऊपर वाले ने पहले ही लिख दिया है. हाँ, ऐसा लिखा है, ये मैं कैसे मान लूं? मेरी किस्मत में तुम्हारा साथ लिखा है, ये मैं प्रूव कर दूंगा. ओके, एक में लिखा है शादी, दूसरे में लिखा है नो शादी. कम ऑन, इसमें से एक उठाओ. लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन ऐसे चिट निकाल कर नहीं किया जा सकता. इट्स नॉट अ जोक. ये और कभी नहीं होने वाला. अभी जो होने वाला है उसे प्रूव करके दिखाऊं क्या? वॉच इट. जरा आसमान में देखो तो, इसमें लिखा है कि बारिश आएगी, इसमें नहीं आएगी. अगर बारिश आएगी तो ही हम दोनों की शादी होगी. बारिश जरूर होगी. अब देखती जाओ. उठाओ. बोला था ना, बारिश जरूर आएगी और हमारी शादी होगी. चंदन प्लीज, आसमान को देखो. तुम्हें लगता है कि बारिश आएगी? बारिश नहीं होगी. ए सोहिनी, चंदन प्लीज. मैं ठीक हूँ पापा, आप कैसे हो? मैं बहुत खुश हूँ बेटी. तुम्हारे प्यार के बारे में बड़े पापा ने बोला है, तुम जिससे प्यार करती हो उसी से तुम्हारी शादी करवा दूंगा. सच पापा? थैंक्स पापा. सोहिनी, flight number MS199 from Malaysia to Mumbai. MS199 Malaysia Airlines is going to depart on time. I miss you lot. This is the final announcement. Flight number MS199. सोहिनी, भगवान सबकी उंगलियों के बीच में इतना गैप क्यों देता है पता है? क्योंकि हमारी लाइफ को शेयर करने वाला आकर इस गैप को भर देगा इसलिए. बहुत अच्छा लग रहा है चंदन. क्या फीलिंग्स हैं? फीलिंग्स? ये हाथ कभी छोड़ोगे तो नहीं ना? जान चली जाएगी,
तब भी नहीं छोड़ूंगा। सर, इसमें उन मंदिरों के ट्रस्ट का हिसाब है जिसमें आप हर साल पूजा करवाते हैं। आप इन्हें चेक करके सिग्नेचर कर दें। इसे एनुअल आईटी असेसमेंट के लिए भेजना है। ठीक है, हिसाब में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ओके सर। ये सारा पैसा भगवान का है। जी सर। सिर्फ इतना ही नहीं, ये सब लोगों का हमारे ऊपर विश्वास है। मूर्ति की स्थापना होने के बाद ये सब उनको लौटाने की जिम्मेदारी हमारी है। जी सही कहा। हेलो, हाँ ठीक है जी, बहुत अच्छा। हाँ मैं संभाल लूंगा। हाँ जरूर। आचार्य जी थे। बोलो बेटा चंदन। आपके लिए गुड न्यूज है, मैं सोहिनी नाम की लड़की से प्यार करता हूँ। अच्छा, सच में डैडी? आई एम सो एक्साइटेड डैडी। उसके घर वाले शादी के लिए तैयार हैं? हाँ तैयार है डैडी। कैसी दिखती है लड़की? बहुत सुंदर है डैडी। अच्छा। राजेश्वरी। हाँ अभी आई जी। क्या हुआ, आज बड़े खुश लग रहे हो? मलेशिया का वातावरण कैसा है? काफी कूल है डैडी। सब लोगों को बुला लो, एक खुशखबरी देनी। ठीक है जी। हाँ, दामाद जी, काव्या, संतोष, ठीक है, सब आ जाओ। मैं सबको बना लूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, बताइए ना मुझे क्या बात है। हमारे घर में एक परमानेंट गेस्ट आने वाली है। आने वाली है मतलब जरूर कोई लड़की है, यानी इस घर की होने वाली बहू। बेटा चंदन, तुम्हारी शादी के लिए तुम्हारी माँ ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इसका मतलब वो अभी फोन पर है क्या? वो फोन पर नहीं है, दहलीज पर खड़ा हुआ है। चंदन, अभी तो फोन पर था अभी। तू यहाँ कब आ गया? अभी आया माँ, फोन पर बात करते करते घर में आकर डैडी को झटका दूंगा सोचा था, लेकिन पता चल गया। मैं भी तेरा बाप हूँ बेटा, इतना आसान नहीं है झटका देना। हाय पापा, हाय बड़े पापा, हाय माँ, हाय छोटू। दीदी मेरे लिए क्या लाई? देती हूँ ना, एक मिनट। ये तुम्हारे लिए और मेरे लिए। देती हूँ बाबा, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। और माँ ये हमें ये सब चीजें नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? मुझे उसकी तस्वीर चाहिए। किसकी? हमारे होने वाले दामाद की। मतलब चंदन की। एक मिनट देती हूँ। फोटो दो। अरे सुनिए, पहले मुझे दिखाइए ना। दिखाइए ना, दिखाइए ना। ये क्या? पापा क्या हुआ? लका 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 लका। फोटो दो, चल भाग यहाँ से। पापा ये है चंदन। बहुत अच्छा है।
वेरी गुड चॉइस. थैंक यू. नमो नरसिंहा नमो वीरसिंहा नमो दिव्यसिंहा नमश्चोद्रसिंहा नमो नरसिंहा. आप यहाँ आचार्य जी, मुझे बुलवा लेते तो मैं आना ही पड़ा. सुना है बेटा आया है. हाँ आचार्य जी, सोच रहे हैं कि हम उसकी शादी कर दें. जिस कार्य के बारे में आप सोच रहे हैं उसमें विवाह होना जरूरी है, क्योंकि विवाह होने के बाद ही पूजा संपन्न होगी. ठीक, परंतु समय बहुत कम है. मेरा आशीष सदैव आपके साथ है. यजमान, बेटे की कुंडली के साथ साथ अगर बिटिया की भी कुंडली यहाँ होती तो दोनों की कुंडली मिलाकर एक अच्छा सा मुहूर्त निकाल देता. क्या हुआ? सिंपल, ये लीजिए सोहिनी की कुंडली. वेरी फास्ट. यजमान, इस लड़की की कुंडली तो अद्भुत है. इसका जन्म अकारण नहीं हुआ. उसके कदम यहाँ पड़ते ही आपके वंश की प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी. दोनों की कुंडली के हिसाब से 4 दिन के बाद ही विवाह का दिव्य मुहूर्त है. 4 दिन बाद ही शादी करेंगे तो फिर सगाई कब करेंगे जी? जस्ट अ मोमेंट. हाय, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? अच्छा सोहिनी, कॉल मी ऑन द वेब. अभी हमारी एंगेजमेंट होगी. चंदन, ये तुम क्या बोल रहे हो? कॉल मी ऑन द वेब. क्या? पहले तुम अपने मम्मी डैडी को बुलाओ, फिर बताओ. ओके ओके ओके, वेट 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 वेट, 1 मिनट. पापा, क्या हुआ बेटा? मां, आप यहां आ रही हो प्लीज? अरे हां, यहां बैठो. कम ऑन सोहिनी, वेब कैम ऑन करने के लिए कहा था तुमको. चंदन, एक सेकंड रुको ना. क्या कर रहे हो? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? पापा, मैं बताती हूँ, एक मिनट. हाँ चंदन, मैंने ऑन किया है. हाँ ठीक है. ये मेरे पापा हैं. नमस्कार. ये मेरी माँ है. नमस्ते. नमस्कार. 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 नमस्ते. मेम साहब नहीं दिख रही है, इस सोफे में नहीं आ सकी. अपने डैडी से कहो कि परसों ही आप सबको यहाँ आना है. ओके छोटू. जी भैया. आने जाने की टिकट का बंदोबस्त करो. ठीक है भैया. तुम क्या सोच रही हो? वो क्या है कि अब हमारी बेटी पराई घर में जाने वाली है, ये सोचकर मन उदास हो रहा है. अरे इसमें उदास होने वाली क्या बात है भाभी, बेटियां तो पराया धन होती ही है. सात समुंदर पार करके यहाँ तक पहुँचे आपके समधि जी का हम स्वागत करते हैं. मैं कुछ समझा नहीं. ये सात समुंदर की बात क्यों कर रहे हैं? अपराव किधर गए? अपराव अपराव और अपराव जी. यारे उतरने देना, यू पीपल नॉनसेंस. मेरे बगैर तुम लोग अंदर जाकर क्या करोगे? अगर मुझे समझ गए तो जीवन अमृत जैसा, अगर ना समझे तो जीवन गटर जैसा. तुम लोग जानते हो हु एम आई? आई एम मैरिज अरेंजर. चाहे कुछ भी हो, 3 बार सुनता हूँ, 3 बार लिखता हूँ, 3 बार बोलता हूँ, 3 बार खाता हूँ, 3 बार. आर यू क्रिकेटर? ओ करेक्ट, कैच किया है. टेक दिस. 3 बार नहीं तो क्या? क्या है, भूल समझ रहे हो क्या? अगर फूल बच जाए तो अपनी बीबी के बालों में लगा देना, फिर भी बच जाए तो अपने कान में लगा लेना. फिर भी बच जाए तो आपको दे दूंगा. He's talking too much. Who is this guy? जी, आइए. Welcome. Welcome का मतलब है. रुक जाइए, रुक जाइए. अब जाइए. आइए, please come. आइए, आइए, चलिए. अंदर आइए ना. What's your name? Roma. What, ma? Roma. Roma. मैं कुछ और समझाता. It's all right. Please. Ladies first. Thank you. Oh. लड़की वाले आ गए हैं भाई, स्वागत करो. तगड़ दिम सबको नमस्कार.
ये कौन है हिलता डुलता प्राणी? मुझे नहीं पता ये कौन है। हमारे गांव के बहुत खास आदमी है। डोंट कंफ्यूज, अपने यहाँ वो शादी के पहले संगीत होता है ना, वही डांस सिखाने आए हैं वो। ए, टोपी राजा। ए, हट, दूर हट। इतने नाराज क्यों हो रहे हो? आपकी बॉडी भरतनाट्यम के लिए सही है कि नहीं सिर्फ चेक कर रहा था। जाके उसको चेक कर। मार डालूंगा, जाओ उस तरफ जा। जाओ। ये मामूली घोड़ी नहीं है, ये अरेबियन घोड़ी लगती है। यहाँ तो बस ऐसा ही होता है। इतनी घबराई हुई क्यों है? मेम साहब को चंदन हल्दी लगाकर नहलाना चाहा तो बीच में ही भाग कर चली आई। ये अभी हल्दी चंदन क्यों? इनका मतलब ये है कि मतलब कुछ नहीं है। वो आपा राव की तरह एक बात चार चार बार मत बोलिए, जो भी बताना है शॉर्टकट में बताइए। अब बताइए ना। ये हमारा हमारे यहाँ का ट्रेडिशन है। हाँ। ये हल्दी लगाना, ये चंदन लगाना, ये शुरू से चलता आया है, शादियों में शुभ माना जाता है। श्री चक्रदेव रायलु कुमारी सोहिनी गर्भमंगल सुभनग्नपुपत्रिकलु। रात मुबारक बादी की, हाय रे अब आए, बड़ा मजा है इसमें, सुनो सुनो शर्मिल भाई। अरे रात मुबारक बादी की, हाय रे अब आए, बड़ा मजा है इसमें, सुनो सुनो शर्मिले भाई। हल्दी चंदन से महकती है फुलवारी, दुल्हन के मन पर कोरे बदन को चुमेंगी ये सखियां सारी। हमारी बेटी राजकुमारी अब तेरे घर की होगी सिंदूरी। नजर किसी की लगे ना इसको इसकी नजर उतारे, इससे प्यारा कोई भी लगे न मांग सवार। He's my best friend, Shekhar. Hi, nice meeting you. You know what? He's a doctor. चंदन ने बताया कि आप भी फॉरेन में इसके साथ थी। इस शादी के जोड़े में तो आप वाकई बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। Leave it here. You are really looking sweet. बड़ी ही प्यारी हो भाभी, तुम बोलो ना क्या दूं तोहफा। चंदा जैसी दुल्हन है, रूप सलोना दूल्हे का। खुशियाँ इनके घर आंगन हो, फूल खिले अरमानों का। इनको आशीर्वाद मिले दुनिया के सब भगवानों का। देखो देखो यारों मेरे यारों रे, ये रिश्ता प्यार का। मेरा ये अरमान, मेरा ये सपना आज हुआ पूरा दिल का। हलचल हलचल होता है दिल।
बसे गई जानिए ओ सोनिए ओ हीरिए मेरे दिल विच बसे गई जानिए देखो तो अपने भैया भाभी को कितना पूछते हैं। सच में इस जमाने में ऐसा भाई कहां देखने को मिलता है। ए छोटू यहां आओ दोनों जी आ जाओ। ये तुम्हारे बड़े पापा और बड़ी माँ है, आशीर्वाद दो जी। चंदन इस समाधि के सामने क्यों, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। किसी भी नई नवेली जोड़ी को मंदिर में लोग भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए कहते हैं, लेकिन तुम्हारे पिताजी अपने भैया और भाभी को भगवान मानकर उन्हें यहाँ लेकर आए हैं। शांत रहिए ना। ए सोहिनी हाथ छोड़ो ना। चलो घर चलो, जल्दी चलो, अभी बहुत सारे काम बाकी हैं, जल्दी चलो चलो चलो। पेंचल कोना लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी, कोई कितना भी विघ्न क्यों ना डाले, लेकिन आपकी स्थापना होकर ही रहेगी, इसे कोई नहीं रोक सकता। अब मेरी बैटिंग देखो। अरे बाप रे, दादाजी देखेंगे तो मारेंगे। चलो अंदर चलते हैं। चल चल चल। दादाजी देखेंगे तो मारेंगे, अगर इसको फेंक दूं तो। संभाल कर जाइए। अरस की फड़ी है। कुछ बोलो ना जी। आज से हमारी बेटी आपकी बेटी है। अनजाने में कुछ गलती कर दे तो माफ कीजिएगा। चिंता मत कीजिए, वो हमारी बेटी की तरह चलता हूँ बेटी। आप लोग हमारी बेटी का ध्यान रखिएगा, उसके लिए नई जगह है, उसे कुछ नहीं पता। ओके ओके, हम जा रहे हैं। हम भी जा रहे हैं, सामान पकड़ो। हाँ। हम जा रहे हैं। ठीक है, बाय बाय। नमस्ते, बाय। हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। मैं जा रहा हूँ। जाओ। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। अरे तो जाना। मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। क्या ये, सारे रिश्तेदार तो कब के चले गए और तू जा रहा हूँ कह के एक इंच भी नहीं हिला। निकल यहाँ से। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ। मेरे बाप।
सोहिनी डार्लिंग तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम समाधि के पास जाकर आशीर्वाद लिए थे ना, वो इन्हीं की है। ये है मेरे बड़े पापा और ये है मेरी बड़ी माँ वीर नरसिंह ठाकुर और माँ अरुंधति। I got an idea. We'll do one thing. मेरी बड़ी माँ की तरह साड़ी पहनकर गहने भी पहन लो। मेरे डैडी को झटका लगेगा। लेकिन साड़ी? मैं हूँ ना। I'll help you. Hey, Sohini, looking beautiful, यार। सच कह रहे हो? Oh my God, बिल्कुल मेरी बड़ी माँ की तरह। Oof, gorgeous. Hey, मैं नीचे जाकर अपने डैडी को लेकर आता हूँ। दरवाजा खुलते ही तुम सामने आकर उन्हें नमस्कार करना। तुम्हें देखकर वो शॉक्ड हो जाएंगे, देखना। Okay? Okay. Hey, Sohini, अपनी चिन पर 3 बिंदी लगाना मत भूलना, okay? हाँ। जरा धीरे, बहू के लिए पिताजी कब से इंतजार कर रहे हैं? थोड़ा सा रखना, वो खुद ऊपर डैडी का इंतजार कर रही है। भैया वो क्या है, उसकी इस घर में बहू बनकर आने के बाद सालों से रुकी हुई ट्रस्ट की जमीन का काम पूरा हुआ है। उसी खुशी में पिताजी उसे ये पेपर्स देना चाहते हैं। और वो ऊपर क्यों बैठी है? पिताजी को पहली बार झटका देने वाला हूँ। ऊपर अगर आप लोग भी आओगे ना तो पिताजी के साथ आपको भी झटका लगेगा। अरे बेटा चंदन, जरा बहू को तो बुला देना। डैडी, इस ट्रस्ट की सारी जिम्मेदारी तुम दोनों को सौंप करके मैं निश्चिंत होना चाहता हूँ। वो कहती है कि आपके आशीर्वाद के बगैर वो नीचे नहीं उतरेगी, इसलिए आपको ही ऊपर आना पड़ेगा। डैडी, आइए ना। ये लो सोहिनी, देखो ये ट्रस्ट के पेपर। क्या हुआ तुम्हें? सोहिनी क्या हुआ, पागल हो गई हो क्या? नमस्ते करने के लिए कहा था तो तुम क्या कर रही हो? उस दिव्य काम के लिए वापस आई हूं मैं। सोहिनी, हे सोहिनी, क्या कर रही हो तुम? डैडी, डैडी, ससुर जी, ससुर जी, क्या हो गया ये? हेलो डॉक्टर शेखर, डॉक्टर शेखर, ये देखिए क्या हो गया, देखिए प्लीज।
अरे चंदन ये कैसे हो गया? अरे प्लीज चंदन प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। अरे ये सब कैसे हो गया? किसने किया ये सब? सोहिनी। सोहिनी ने? हाँ यार। ओ गॉड। अरे अपनी बेटी से ज्यादा प्यार दिया था उसे। वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। पर उसने ऐसा किया क्यों यार? ऊपर बड़ी माँ के कपड़े पहनने के बाद कुछ अजीब सा बिहेव करने लगी, एबनॉर्मल हो गई। वहीं से वो डैडी के पीछे भागती हुई आई। मैं रूम में लॉक हो गया था, नीचे आकर देखा तो डैडी को मार डाला था। जीजा प्लीज। लेकिन शेखर सोहिनी ऐसी लड़की नहीं है, यहीं पर कुछ गड़बड़ है। ठीक है ठीक है, लेकिन अभी सोहिनी कहाँ है? कहाँ है यार? अभी तक तो वो मेरे इंजेक्शन के प्रभाव से सो रही है, लेकिन इसका यहाँ रहना सेफ नहीं है। बैंड्रा में मेरी पहचान के एक साइकेट्रिस्ट हैं, उनके ऑब्जर्वेशन में रहेगी तो बेहतर होगा। बैंड्रा? या इसके लिए यही बेहतर है। हाँ ले जाओ। कल सुबह 10 बजे तैयार रहना, मैं आऊँगा। ओके ओके। सोहिनी, सोहिनी, हाँ शेखर 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ। शेखर ओके बाद में फोन करता हूँ। क्या हुआ? सोहिनी घर में कहीं दिखाई नहीं दे रही। पूरे घर में ढूंढ लिया। हाँ पूरा घर ढूंढा। साहब साहब साहब, मैं पास के गांव से हूँ, खेती के काम से जा रहा था तो वहाँ मैंने देखा एक औरत पुरानी हवेली के पास घूम रही है बाल खोल के। वो औरत कोई और नहीं साहब, आपकी पत्नी है। सोहिनी पेंचल कोना लक्ष्मी नरसिम्हा। स्वामी जी इस समय आप यहाँ? आपने इन्हें नहीं पहचाना? ये आपके वंश के राजगुरु हैं। आपके घर में कोई भी शुभ कार्य कराना होता है तो यही करते हैं। चोटिल को वैद्य की आवश्यकता होती है, जबकि प्रेत बाधा में तांत्रिक की। देव ठाकुर वंश में जन्मे तुम्हारे हाथों से ही दिव्य स्थापना होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो ही चारों तरफ सुख शांति फैलेगी, अन्यथा इसका परिणाम तुम्हारी पत्नी ही भुगतेगी। उसकी चिकित्सा हेतु केरल प्रांत के श्री चक्र मठम के ओझा से मिलना होगा। जय पेंचल कोना लक्ष्मी नरसिम्हा। Is
किनसे मिलना है? हम लोग स्वामी जी से मिलने आए हैं। स्वामी जी ध्यान कर रहे हैं। स्वामी जी चंदन नाम का आदमी है जो मुसीबत में है और मदद मांगने आया है। अंदर बुलाओ। आप में से चंदन कौन है? मैं ही हूँ। स्वामी जी अंदर बुला रहे हैं। स्वामी जी मुझे? नमस्कार स्वामी जी। इस आश्रम में आने वाले सारे लोग किसी न किसी समस्या को लेकर ही आते हैं, लेकिन तुम्हारी समस्या बहुत विचित्र है। इच्छा पूरी हुए बिना अगर कोई मर जाता है तब उस इच्छा को पूरी करने के लिए आत्मा किसी न किसी शरीर में आ जाती है। आपकी तरह जो लोग संकट में होते हैं श्री चक्र आश्रम उनकी मदद अवश्य करता है। दीर्घायुष्मान भव। स्वामी जी यहाँ की हवा में कोई दिव्य शक्ति लगती है। हाँ, जब शरीर को कोई आत्मा अपने वश में करती है तब एक दो दिन रहकर वो अपना काम पूरा करके चली जाती है, लेकिन तीसरे दिन भी अगर आत्मा शरीर में रहे तो वो बहुत भयानक होती है। ये बातें मैं आपको बाद में बताऊंगा। कई आत्माओं के बारे में सुना था लेकिन इस तरह की आत्मा के बारे में पहली बार सुना है, इसलिए इस आश्रम को छोड़कर पहली बार मैं बाहर पैर रखने वाला हूं। बाई ओर से चलो। स्वामी जी ये कच्चा रास्ता है, यही सही रास्ता है? यही सही रास्ता है, इसलिए इधर से ही चलो। लोग इसी गांव के हैं। पहले मेरे पिताजी की सत रहा करते थे, रामप्रसाद शिव कुमार। वो आत्मा यही निवास कर रही है। जय मां काली। नाग बंधन टूट गया है, अब चलिए। कौन हो तुम?
बोलो कौन हो तुम? मैं अरुंधति हूँ। अरुंधति बड़ी माँ? इस शरीर में क्यों आई हो? संकल्प पूरा करने आई हूँ, देवता की इच्छा पूरी करने के लिए आई हूँ। कौन है वो देवता? मेरे पति वीर नरसिम्हा ठाकुर। ठाकुर वंश की छठी पीढ़ी में पैदा हुए जीते जागते भगवान। उनसे किया हुआ वादा मैं पूरा करने आई हूँ। लगा हुआ बैल कभी लोगों के सामने इतना गुस्से से नहीं आता। तुम इसे अपनी गौशाला में बांध कर पता लगाओ। साहब ये क्या कर रही? उठो बहन। साहब जी, आज आपने मेरी बेटी की जान बचा ली। अगर आप ना होते तो आज मेरी बेटी की जान चली जाती। साहब आप भगवान हैं। बच्चों को पैदा करना काफी नहीं, उनकी देखभाल भी करनी पड़ती है। भैया लोग यहाँ जी, बात क्या है? ये हम क्या सुन रहे हैं भैया? ये क्या है भैया? हम सब लोगों के यहाँ पर होते हुए आपको आगे आने की क्या जरूरत थी? युद्ध में नायक आगे होता है, युद्ध खत्म होते ही नायक पीछे चला जाता है। हमेशा पीछे रहकर चलने वाला नायक नहीं कहलाता छोटे। इस खेल में आपकी मौत हो जाती तो? मौत की और मेरी तो पुरानी रिश्तेदारी है। मैं तो मरना चाहता हूँ लेकिन कमबख्त ये मौत मुझसे डरती है। ये क्या है भैया? जरा अपने हाथ तो दिखाइए मुझे। क्या हुआ मेरे हाथ? ये तो नशे की दवा है, यानी उस बैल को नशा देकर भेजा गया था, उसे गुस्सा दिलवाया गया था। आपके खिलाफ एक षड्यंत्र है भैया। उन्होंने ये कैसे सोचा कि वो बैल मुझे ही मारेगा? और किसके अंदर तलवार उठाने की ताकत है? गरीबों का पेट भरने वाले अकेले आप ही हैं। गांव मुसीबत में हो तो आप सबसे पहले आगे आते हैं और ये बात वो अच्छी तरह जानता है। सुनो अरविंद। जी मालिक। जरा पानी लेकर आओ। लीजिए मालिक। ये बताओ कि नशे के बारे में तुम्हें कैसे पता? कुछ लोगों को जीने के लिए सब सीखना पड़ता है, मैं भी उन्हीं में से हूँ भैया। तेरी ये सीख मेरे लिए सही साबित हुई छोटे। मैंने ये सब कुछ आप ही के लिए तो सीखा है भैया। काम पूरा हो गया माजी। क्या हुआ राजेंद्र भाई? काम पूरा हो गया साहब। आप तो दाता हैं साहब। नमस्कार मालिक। आपकी दी हुई अठन्नी से वो बेचारा कितना खुश हो गया। अठन्नी दूं या 8 रुपए दूं उससे कुछ नहीं होता है, मेरे आशीर्वाद का मतलब होता है। सब लोग बहुत इज्जत करते हैं मेरी ना। आपकी तो बात ही कुछ और है मालिक। मैंने गलत क्या कहा? हटो हटो सब लोग, मुझे भी तो देखने दो।
बेटी, मेरी रानी, दर्द हो रहा है बेटी, जरा सा हाथ तो हटाओ ना बेटी। मेरी बेटी को कहीं नजर न लगे इसीलिए भगवान ने उसे नजर बचाने के लिए 3 तिल दिए हैं। ना कहा था लेकिन सुनते कहा। दर्द हो रहा है बेटी। ओह, दर्द नहीं होगा तो और क्या होगा? बचपन में नाक नहीं छिदवाया और अब छिदवाओगी तो दर्द नहीं होगा तो क्या मजा आएगा? अरे बचपन में इसे कहाँ पता था कि इसके होने वाले पति को नथनी अच्छी लगेगी। लड़की की अगर नाक छिदवा ली जाए तो वो और भी खूबसूरत लगने लगती है और हर पति यही चाहता है कि उसकी पत्नी खूबसूरत लगे। चलो चलो, लग रही हो। शायद इसलिए भैया ने नाक छिदवाने के लिए कहा होगा और इसने शाम से सर हिला दिया। सही कहा ना? सिर्फ नाक छिदवाने से इतनी सुंदर लग रही हो, अगर इसमें नथनी पहनोगी तो कितनी खूबसूरत लगोगी। जय आप ही ना। ये तू? अब वो हमारे बच्चों के लिए जी। ठीक, हम लोग इस घर के नौकर भले ही हैं, लेकिन जूठन खाने वाले नहीं। और तू अपने बच्चों को ये ठीक? दाने दाने पर तो खाने वाले का नाम लिखा होता है, इन लोगों के छोड़े इस जूठन पर पता नहीं किसका नाम लिखा है। हम लोग गरीब हैं इसलिए हमें खाने की कमी है, लेकिन ये लोग, इनके पास सब कुछ होते हुए भी ये लोग यहाँ पर खड़ा होकर क्या बकवास कर रहा है? ये सब बातें करनी है तो घर जाके करो। छोटे, इन्हें बोलने से रोको मत। ये इनका गुस्सा नहीं बोल रहा, ये किसी गरीब के पेट से निकलने वाली भूख की आवाज है। इसे दबाओ मत। ये मेरे अकेले का दर्द नहीं है मालिक, आसपास के गांव के सारे गरीबों का दर्द है। सारे गरीब इसी उम्मीद से जी रहे हैं कि उस लक्ष्मी नरसिम्हा जी की मूर्ति की कब स्थापना होगी और कब हम लोगों को एक दिन पेट भरकर खाना खाने को मिलेगा। हमारे पूर्वजों ने भी ऐसा ही इंतजार किया था मालिक, लेकिन कुछ नहीं हुआ और अब हम लोग इंतजार कर रहे हैं मालिक। हमारे बाद हमारे बच्चे, उनके बाद उनके बच्चे, ये इंतजार का सिलसिला चलता रहेगा मालिक। मेरे आगे पीछे मेरी जय जयकार करने वाले लोग भूख से तड़प रहे हैं और मैं यहाँ मखमली बिस्तर पर सोकर एक राजा की तरह ऐशो आराम कर रहा। क्या यही राजधर्म है? नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। छोटे तुम अभी जाओ। जी भैया। और चाचा जी से कहकर आचार्य जी को बुलवाओ। ठीक है, आपने बिल्कुल सही। चाचा जी, विश्वनाथ आचार्य जी आए हैं। नमस्ते। आइए विश्वनाथ आचार्य। नमस्ते। नमस्ते। मनोवांछा फल सिद्धिरस्त। बैठी, बुलावा भेजा था आपने? जी, लक्ष्मी नरसिम्हा भगवान की मूर्ति की स्थापना का मुहूर्त निकलवाना था। यजमान, मेरे थोड़े अस्वस्थ होने के कारण मैं शायद आपके इस कार्य में साथ ना दे सकूं। इसीलिए यजमान, अब से आपके कुटुंब से संबंधित सारे कार्यक्रमों को मेरे स्थान पे रहकर मेरे पुत्र वेंकट आचार्य ही देखेंगे। तो ठीक है, आप ही बताइए वेंकट आचार्य जी। मुहूर्त तो मैं निकाल दूंगा, परंतु मूर्ति स्थापना कौन करेगा? मैं करूंगा। तुम्हारी बात काट रहा हूं, बुरा मत मानना। जब भी उस मूर्ति की स्थापना के बारे में सोचा, उस भगवान ने हमेशा हमें दुख पहुंचाया, कभी साथ नहीं दिया। बेटा, जब से भाई साहब हमें छोड़कर गए हैं, उन्हें तुम्हारे अंदर देख करके ही हम सब जी रहे हैं। ये मत करो नरसिम्हा। चाचा जी, इतने सालों से हजारों लाखों गरीबों ने दुख झेले, उनकी आंखों के आंसू पोंछ कर उसमें खुशियां लाने का बस एक ही रास्ता बचा, जिसका मैं निर्णय ले चुका हूं। इस दिव्य कार्य के लिए मैं अपनी जान तक देने को तैयार हूं। मुझे रोकिए मत। आप शुरू कीजिए आचार्य जी। अपने पिता द्वारा प्राप्त ज्ञान के अनुसार नरसिम्हा जी की मूर्ति स्थापना करने वाले नाग पंचम ही थे। आपके वंश से जो भी स्थापना करेगा वो उन्हीं के नाम से करेगा, इसीलिए पहले आपको नाग पंचम नाम का नामकरण करना होगा। स्थापना करने वाली जोड़ी को नरसिम्हा स्वामी जी का
सबसे पहले विवाहोत्सव करवाना होगा, यही रीति है। अर्थात स्थापना से पहले आपका विवाहित होना अनिवार्य होगा। यही तो समस्या है। अब तक हमारे वंश में शादीशुदा लोग ही नाग पंचम नामकरण करके मूर्ति स्थापना के लिए तैयार होते थे, पर पता नहीं या तो भगवान ही हमसे नाराज हैं या इस वंश पर कोई श्राप है। नामकरण करने के बाद मूर्ति की स्थापना न होने की वजह से पिछली 5 पीढ़ियों से कोई न कोई मर रहा है, और अब अगर नरसिम ने नामकरण कर लिया तो ये सब बातें जानते हुए इनसे शादी करने के लिए कौन तैयार होगा बताइए। कई साल पहले लोगों के सुख के लिए मूर्ति स्थापना करने गए मेरे पिताजी के साथ मेरे पति गुरुदेव ठाकुर जब चल बसे थे, तब मैं दुखी नहीं हुई। मैंने सोचा मेरे मायके का बोझ उतर गया, अब दोबारा उन्हीं लोगों की भलाई के लिए मेरे भाई का बेटा नरसिम्हा स्वामी जी के देव कार्य के लिए अगर उसका विवाहित होना जरूरी है तो मैं अपनी बेटी का विवाह इनसे कराने के लिए तैयार हूँ। परंतु क्या आपकी पुत्री भी विवाह के लिए सहमत है? अब से आप नाग पेंचल कहलाएंगे। इस शास्त्र के हिसाब से आपको गर्भ मंदिर में अखंड ज्योति को जलाने के बाद स्वामी जी के आभूषणों के साथ अपनी हजारों एकड़ जमीन को अपने 45 गांव के सब लोगों में आपको स्वयं ही बांटना होगा, यही शास्त्र में लिखा है। नाग पंचम जी का हार आशीर्वाद स्वरूप। ये स्वामी जी के आशीर्वाद स्वरूप। और ये श्री कृष्ण भगवान के समय से ही आपके वंश के वीरों का प्रतीक ये तलवार। इसका केवल आप देव कार्यों के लिए ही उपयोग करेंगे, ऐसा प्रण कीजिए। मैं भगवान श्री लक्ष्मी नरसिम्हा जी को साक्षी मानकर ये प्रण लेता हूँ कि इस तलवार का सिर्फ देव कार्य के लिए उपयोग करूंगा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुण ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनो हरि। नाग पंचम जी, अगले 4 दिन के बाद पूनम की रात है। ब्राह्म मुहूर्त में पेनुसिल नरसिम्हा का योग नरसिम्हा में बदलने का शुभ समय है। उच्च पर्वत से विराट मूर्ति को अखंड ज्योति के साथ नीचे लाकर गर्भ मंदिर में स्थापित करना होगा। ठीक है आचार्य जी। शुभमस्तु, कल्याणमस्तु। तू सबका है रखवाला, हम सबका भी है परमेश्वरा। नरसिम्हाया नरसिम्हाया है वीर नरसिम्हाया। नरसिम्हा आया नरसिम्हा आया जय वीर नरसिम्हाया। भूखों को रोटी प्यासों को पानी तुमने दिया है, तुम सबके मालिक। तुमसे है उम्मीदें तुमसे है सपने, तुमको ही माने यहाँ सब ही अपना। नरसिम्हाया
दहाड़े तू तो सदा, मैं ये कहूँ दुश्मन तुझे देख कर थर थर कांपे, मूंछों पे ताव तेरी सदा रहे। तेरी शरण में आया है जो भी तूने लगाया है उसको गले से। हाँ सब गरीबों की है शान तुझसे, तूने किसी को न नीचा दिखाया। तेरे पांव के निशान माथे से चूमे, तेरी धूल को माथे से लगाया। नरसिम्हाया कितने लोगों का साथ रे, तू ही तू है सबका अंदाजा है तू। अन्याय का फन कुचल देता है तू, तू ही बचाता है सबकी आबरू। शेर की दहाड़ से कम नहीं तेरा वजूद, नरसिम्हा है तू। हाँ नरसिम्हा है तू, देवता की तरह तुझको मानते हैं लोग सब। तू ही है भगवान, तू ही तो है रब। माँ लक्ष्मी ने तुझे दी है घर की लक्ष्मी, आंगन में तेरे फुलवारी खिले। ओम नमो नमो नमः, ओम नमो नमो नमः। नरसिम्हाया तुम लोग अभी तक जाग रहे हो, जाओ जाकर सो जाओ। नहीं नहीं, हम लोग तो दीदी के पास ही सोएंगे। रहने दीजिए ना, बच्चे मेरे साथ ही सो जाएंगे। पागलों जैसी बातें क्यों कर रही हूँ? हाँ ए, जाओ तुम लोग, जाओ जाकर सो जाओ, जाओ। ग्लास दो, ये ले। हाँ आ अरुंधति, इनसे आशीर्वाद लो। जीती रहो बेटी। आओ बेटी। चाची आप भी मेरी बेटी को आशीर्वाद दीजिए। सदा सुहागन रहो बेटी, बेटी। क्यों जीजू, कैसे शुरुआत करो सोच रहे हो क्या? मैं अंदर आके सिखाऊं क्या? ए बंदरिया, चल जाए यहाँ से। ये देखिए जीजू, बिना अभ्यास का अगर ब्राह्मण हवन करे तो उसके दाढ़ी मुझ चलने का डर होता है। संभल कर, आपको भी तो इस बात का ज्ञान नहीं तुझे है। तो तू परेशान क्यों है बेटी? आप तो सब कुछ जानती है ना माँ, मैंने उसकी शादी का फैसला किया लेकिन उसने इनकार तक नहीं किया। मैंने जैसा कहा वैसा उसने किया, उसे कोई तकलीफ ना हो, वो दोनों हमेशा सुखी रहे। इसलिए मैंने यहाँ मौजूद सारे सारे बुजुर्ग स्वागत से उसे आशीर्वाद दिलाया। अरुंधति अब तुम अपने आप को संभालो। अरे अरे अरे, रहने दो बेटी, मैं सब देखती हूँ, अब तुम लोग सब जाओ। चलो 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 चलो। सुनो, मैं कह रही थी तुम भी इसके साथ अंदर जाओगी क्या? जाओ। नहीं मैं नहीं जाऊंगी। जाओ। सभी ने मुझे आशीर्वाद दिया पर आपने मुझे आशीर्वाद क्यों नहीं दिया चाची? देखो बेटी, मेरा आशीर्वाद फलेगा नहीं। मैं बिन बिहाई माजू ठहरी। मैं यहाँ अभी
तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए नहीं आई हूँ बेटी, तुम्हें एक जरूरी बात बताने के लिए आई हूँ। कहिए ना। सुहागरात की रात हर औरत के लिए यादगार रात होती है। तुम्हारी माँ यही चाहती है कि तुम दीर्घ सुमंगली रहो, उसके लिए तुम्हें अपनी सुहागरात भुलानी होगी बेटी। वो इसलिए क्योंकि अगर नरसिम्हा ठाकुर तुम्हारे साथ संबंध बनाएंगे तो उनका ब्रह्मचारी खत्म हो जाएगा, और उनके ब्रह्मचार्य होने के बाद अगर वो मूर्ति स्थापित करेंगे तो वो अपनी जान से भी हाथ धो बैठेंगे बेटी। अपने वंश में नाग पंचम जी का नाम रखने वाले सभी लोग सांसारिक लोग ही थे बेटी, इसलिए शायद उन सबकी अकाल मृत्यु हो गई, ऐसा हम मानते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि मूर्ति स्थापना होने तक तुम अपनी सुहागरात से दूर ही रहना बेटी। ऐसा करोगी तो तुम बहुत जल्द इस वंश को आगे बढ़ा पाओगी। आओ पहले चैया पूजा कर लेते हैं। देखो मत, पल्लू में सिक्कों को भरकर गांठ बांधने पर बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं। तुम्हें कितने बच्चे चाहिए? ये घर उनसे भर जाए इतनी चाहिए। जो करना चाहते हैं, मतलब लक्ष्मी नरसिम्हा जी की स्थापना करने के बाद ही, आपका संकल्प पूरा होने के बाद आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। तुमने मुझसे नरसिम्हा ठाकुर मानकर प्यार किया, लेकिन अब मेरे नाग पंचम बनने के बाद भी तुमने मेरा मंगलसूत्र पहना। मुझे समझने वाली लड़की मेरी अर्धांगिनी बनी, ये मेरा सौभाग्य है। मैं तुम पर जोर नहीं डालूंगा, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। अब तुम सोचा और अंत थी। नाग प्रिया, मैंने जो कहा था वो समझा दिया ना? आपने जो कुछ भी कहा था उससे कहीं ज्यादा कह दिया भैया। वो कोई खुशखबरी तो नहीं देगी ना? वो दोनों मिल पाएंगे तभी ना भैया। देखो, तुम किसी भी हालत में ये बात नरसिम्हा ठाकुर को नहीं बताओगी। वचन दो, ये बात नरसिम्हा ठाकुर को नहीं बताओगी। मुरली आया साहब जी, पीने के लिए पानी लेकर आओ। चलता हूँ स्वामी। साहब जी
दीदी दीदी, रात में जीजू मुझे मारने वाले थे पता है। उन्हें इतना गुस्सा क्यों आया था? पता नहीं, उन्होंने कुछ कहा नहीं। उन्होंने नहीं, मैंने कहा था, उन्होंने सुना अच्छे बच्चे की तरह। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, ये ऐसे क्यों चल रहा है? मुरली यहाँ आओ। अभी आए दीदी। क्या हुआ है तुम्हें? उस तरफ जाते हो तो सीधे जाते हो, और इस तरफ आते ही तन क्यों जाते हो? पुलिस वाले ऐसे ही चलते हैं ना दीदी। ओ, मतलब? मैं बड़ा होकर पुलिस वाला बनना चाहता हूँ। यहाँ आओ। पुलिस बनना है तो काम पर नहीं जाते, स्कूल जाकर पढ़ाई करते हैं। ठीक है दीदी। वंदना दीदी। इस फूल को ले जाकर मास्टर जी को देना, कहना ठाकुर साहब के यहाँ से अरुंधति दीदी ने दिया है, दाखिला हो जाएगा। मुरली आज से तुम्हारा काम है पढ़ाई करना। चलता हूँ दीदी। शाबाश अरुंधति। वो क्या है ना कि मुरली, अच्छा काम करने के लिए किसी की आज्ञा लेना जरूरी नहीं, करने के बाद किसी को भी समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई जी। वो मैं, फूल तो तुम हमेशा मुझसे ही मांगती थी ना, लेकिन अभी फट से कहाँ से निकाला? वो जादू था जी, मैंने स्कूल में सीखा था, वो पुलिस के सर में था। कुछ भी अगर एक बार देख लूं तो सीख लेती हूँ। यहाँ पर मौजूद सारे गांव वालों को मैं ये संदेश देने आया हूँ कि आने वाली पूर्णिमा की रात को वीर नरसिम्हा जी का नामकरण होना है, इसलिए वीर नरसिम्हा जी पहाड़ पर से लक्ष्मी नरसिम्हा जी की मूर्ति लाकर मंदिर में स्थापित करके गांव में कुंभ अभिषेक करने वाले हैं। इसलिए इस गांव के ग्रामवासी और 45 गांव के सारे लोग लक्ष्मी नरसिम्हा जी के मंदिर के सामने तैयार रहें, यह सूचना सबको दी जाती है। अरे सुनो जी, सारे गांव के बड़े बुजुर्गों को बुलावा भेज दिया है ना? जी सर। हाँ छोटे जी, तुम भी एक बार लिस्ट देख। ठीक है भाई। नमस्ते। नमस्ते। आप सब विजयनगर से हैं ना? आप रविनाथ और ये आपके बड़े भाई, कहिए। हमें संदेशा मिला है मालिक कि मूर्ति स्थापना के लिए सारे गांवों में से हमारे गांव को आगे रहना है, इसीलिए हम 3 दिन पहले ही आ गए हैं मालिक। स्थापना के बाद रीति रिवाजों के अनुसार पूरे गांव के साथ भगवान के दर्शन करने आएंगे मालिक। इतने सालों के बाद लक्ष्मी नरसिम्हा भगवान जी अपनी करुणा दिखाएंगे। नहीं चौधरी, ये लक्ष्मी नरसिम्हा भगवान की नहीं, उनके अवतार स्वरूप हमारे भैया की महिमा है, वीर नरसिम्हा ठाकुर। सारे गांव के लोग अपनी तैयारियां कर चुके हैं। जी सरकार, शाम तक 2-3 गांव के अलावा सारे गांव के लोगों की तैयारियां हो चुकी हैं, लेकिन सिर्फ वो रुद्रनाथ शामिल नहीं हो रहा है। तुम तो वरदराज की पत्नी हो ना? मालिक, 2 दिन पहले ही तो मैं तुम्हारे पति से मिला था, सब ठीक तो है ना? अब क्या कहूँ मालिक, खुद मेरे पति ने अपने हाथों से मेरा मंगलसूत्र तोड़ दिया, मेरा सिंदूर मिटा दिया उस शैतान रुद्रनाथ ठाकुर ने। डाल बे मालिक, मालिक मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए। मालिक चाल से पहले ही आप मर गए। इस रुद्रा परिवार के रुद्रनाथ ठाकुर के घर में पासे में हार होया मुर्गी के खेल में मुर्गी क्यों न मर जाए? मरने की बात कान में नहीं पड़नी चाहिए, समझा साले? नहीं, क्या कर रहे हैं? रुक जाओ। ये सब देवनी गांव की ही औरतें हैं ना, तुम सब लोग इन्हीं औरतों के पति हो ना? औरतों को तिलक माँ लगाती है, चूड़ियां माँ पहनाती है, बालों में फूल भी माँ ही लगाती है, और मर्द मिलता है मंगलसूत्र बांधने के बाद। ए! Oh!
ये लीजिए मालिक। अरे रे रे रे। क्या नसीब है तुम सबका, पति के हाथ हुई विधवा बन गई हो। ऐसी किस्मत दूसरी औरतों को कभी नहीं मिलता, वरना हो नरसिम्हा ठाकुर मेरे ही गांव में ढिंढोरा पिटवाएगा। जाकर उससे कह दो जरूरत पड़ने पर उसे जलाने के लिए लकड़ियां ले आऊंगा, लेकिन मन्नत की लकड़ियां नहीं होंगी। क्यों, वो नरसिम्हा ही मर्द है क्या? मैं नहीं हूँ क्या? हमारे गांव की तरफ कभी आए तो तुम्हारा यही हाल होगा, ऐसा कहा मालिक। हमारे गांव की औरतों की इज्जत पर हाथ डाला उसने, निकालो तलवार। मुंह बंद कर, गुस्सा तो देखो इसका। तुझे ही गुस्सा आता है क्या, हमें नहीं आता है क्या? तू हमसे कहेगा और हम तेरे पीछे चले जाएंगे। इस वीर नरसिम्हा ने जब से नाग पंचम का नामकरण लिया है उसके बाद से कोई भी काम, कैसा भी काम इसकी अनुमति के बिना यहाँ नहीं हो सकता, चाहे मैं भी क्यों ना हूँ। हमारे खानदान से गांव की भलाई के लिए अगर कोई भी बाहर गया तो उसके पीछे यहाँ से सैकड़ों लोग साथ जाएंगे, और उनमें से कितने लोग वापस आएंगे, कितने लोग मारे जाएंगे, ये कोई नहीं जानता। इसीलिए अकेले जाना है या 100 लोगों के साथ जाना है, इसका फैसला करने का हक सिर्फ नाग पंचम को है, और इनके फैसले को हम सभी को पूरी मान्यता देनी होगी। हाँ, आप अपना फैसला सुनाइए नाग पंचम जी। नरसिम्हा ठाकुर है, गांव में बुलाकर बात करोगे सोचा था, लेकिन मेरे ही घर आकर तू ऐसे दहाड़ रहा है। मतलब मुझसे भिड़ने के बाद तू यहां से वापस जा सकता है क्या? मैं शेर की खाल पहना हुआ गीदड़ नहीं जो सिर्फ गीदड़ फपकी देता है। दुश्मन के घर में घुसकर उसे पटक पटक कर मारने वाला असली शेर हूँ, नरसिम्हा हूँ, वीर नरसिम्हा ठाकुर हूँ। टकराने के बाद ही पता चलेगा कि कौन खड़ा रहेगा और कौन धूल चाटेगा। तेरे दोबारा चिल्लाने से पहले ही तुझे मिट्टी में मिला दूंगा। तुझसे लड़ने के लिए मैं ही क्यों, ये मेरे आदमी काफी हैं। मरो साले को। जिस पत्नी से शादी की उसे विधवा बनाने वाली तुम्हारी इस हरकत की वजह से उन्होंने तुम्हारी गर्दन काट डालने को कहा है, लेकिन निर्दोष व्यक्तियों की हत्या कर दूं ऐसा जल्लाद नहीं हूं मैं। तुम्हारी तलवार मेरे जिस्म के आर पार हो जाए लेकिन मेरी तलवार से तुम्हें खरोंच तक नहीं आएगी। दुश्मनी मेरी, गर्दन इसकी, जो बीच में आएगा हलाल कर दिया जाएगा। ए, तुझे ये क्या मारेंगे, मैं तेरी छाती पर ऐसे वार करूंगा कि तेरा खून भी जम जाएगा। सुनिए जी, सुनिए जी, कहाँ हैं आप? सुनिए ना माँ, माँ, नानी माँ, भैया। अरुंधति, क्या हुआ बेटी? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वो कहाँ गए होंगे मैं जानता हूँ। कहाँ गए होंगे? रुद्रनाथ ठाकुर के घर पे गए होंगे। चाहे कोई भी आए सबको मार डालता, ठीक है, चाहे जितने भी लोग हो। माँ, जीजा जी, आप अकेले क्यों गए? हम लोग मर गए थे क्या? अच्छे कार्य में सबको शामिल करना चाहिए, पर जहाँ जान का खतरा हो
वहां अकेले ही जाना चाहिए। आज से ये औरतें सिर्फ हमारे गांव की ही नहीं, हमारे घर की भी बेटियां हैं। एक इंसान की जान की कीमत क्या होती, आज मुझे इनसे पता चला। जानता है मैंने तुझे क्यों बचाया? हल्की नोक अगर तेरी पीठ के आर पार हो जाती तो लोग वीर नरसिम्हा ठाकुर को पीछे से वार करने वाला कायर कहते। क्या बचा ले अपनी जान। भैया, आज से आपका कोई दुश्मन नहीं होगा। अगर कोई ऐसा हुआ तो भी उसको आपका ही गुलाम बनना होगा। मैं भी आज से आपका ही गुलाम हूँ। वीर नरसिम्हा ठाकुर की जय। 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 खाइए भैया, इस तरह क्या सोचते बैठे हैं? नहीं पिताजी, इस घर में रहते हुए हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसके लिए हमें बाहर निकलना पड़ेगा, उसके बाद देखना एक दिन में। शांत हो जाओ, कल तक वो सिर्फ घर में ही था, आज लोगों के बीच में रहने लगा है। मूर्ति की स्थापना के बाद लोगों के दिल में रहेगा, उसके बाद सब खत्म हो जाएगा। अब तो उसे मरना ही होगा। चुप रहिए पिताजी, ये किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? जब लोग भैया के नाम की जय जयकार कर रहे थे तब वो मुझे साक्षात भगवान नरसिम्हा की तरह दिखाई दे रहे थे। मैं उस महान इंसान का भाई हूं, ये सोचकर मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। उसके दादा को मेरे दादा ने पालकी में उठाया, उसके बाप को मैंने उठाया था, और अब उसी पालकी में बैठाकर तू उसे उठाएगा? छी 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 छी, शर्म नहीं आती? भैया के बारे में ये विचार है आपके पिताजी? छी 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 छी, भैया के बारे में कितना जहर भरा हुआ है आपके अंदर। मुझे तो आज आपको अपना पिता बोलने में शर्म आ रही है। अगर उनके ऊपर बुरी नजर डाली ना वो लोग तो चाहे छोड़ भी दें, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा, जान ले लूंगा आपकी। इसे क्या हुआ भैया? बेटी अरुंधति आ जाओ। ये सब क्या था चाचा जी? इतने बड़े पुण्य कार्य करने वाले नाग पंचम जी का दाया हाथ बनकर रहना है तो उसे मेरी तरह होना होगा। इसीलिए मेरा बेटा होते हुए भी आज मैंने उसकी परीक्षा ली है। सच्चाई का साथ देने वाले की कभी भी हार नहीं होती है, इसीलिए तेरा पति ही जीतेगा। आपकी बातें सुनकर मैं काफी डर गई थी। शत्रु कब उन्हें हानि पहुंचाएगा ये सोचकर सब परेशान रहते हैं, और इस घर में आप लोग ऐसी बातें कर रहे हैं ये सोचकर कुछ देर के लिए मैं काफी डर गई थी चाचा जी। मुझे माफ कर दीजिएगा। तुम परेशान मत हो मेरी बेटी, नाग पंचम जी को किसी भी दिशा से कोई परेशानी नहीं आ सकती है, मैं हूं ना। तुम सदा सुहागन रहोगी बेटी। आशीर्वाद दीजिए चाचा जी। खूब खुश रहो। इसमें गलत क्या है? पिताजी ने ठीक ही तो कहा था। भाई, अब आगे की क्या योजना है? तिरुपति के बालाजी मंदिर में भी इतना पैसा नहीं होगा जितना हमारे गांव के पहाड़ वाले नरसिम्हा भगवान के पास है। जब तक वो पहाड़ पे हैं तब तक उनकी जायदाद हमारे हाथों में है। जिस दिन पहाड़ से उतर गए उस दिन 45 गांवों के हजारों लोगों में वो दौलत मर जाएगी, समझे? इसका मतलब मूर्ति की स्थापना नहीं होने दोगे भाई? नहीं होने दूंगा। नरसिम्हा ठाकुर जिंदा नहीं रहेगा। वो तो ठीक है भाई, वो राजेंद्र ठाकुर जब तक जिंदा है हम नरसिम्हा ठाकुर को किसी भी परिस्थिति में नहीं मार सकते। जीजा साले दोनों को मारना होगा, एक भी नहीं बचना चाहिए। उन दोनों की मौत के बीच में एक मिनट का अंतर भी नहीं होना चाहिए। तुम दूसरे गांव के हो लेकिन जब से मुझे मिले हो
तब से मुझे जीजा कहते हो। जैसा हमने सोचा है, अगर सच में कहीं वैसा हो गया ना तो मैं सच में तुम्हारे जीजा बन जाऊंगा। ये तूने क्या किया अपने शंभू को? इस तरह भैया, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा था। आपको यहाँ अकेले किसने बुलाया था? इसी ने आने के लिए कहा था ना आपको? हाँ कहा था। आपको बुलाने वाला ये था और मारने वाले ये लोग थे क्या? राजेंद्र नाथ जी, आपने भी कुछ नहीं सोचा? भैया को अकेले यहाँ पर लेकर आ गए, और तो और उस दिन भी रुद्रनाथ को मारने के लिए भैया को अकेले ही भेजा गया था, और आज भी इन्हें यहाँ लेकर अकेले ही आ गए। सोचो अगर कहीं भैया को कुछ हो जाता तो। छोटू तुम मेरे साथ आ। आगे से राजेंद्र के मामले में जरा संभल कर रहिएगा। वो सब तो ठीक है, पर इन सब बातों के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? ये सब तो मेरी आदत है। खैर, चेहरे पर गुस्सा भी नहीं और बिना देखे वार किया, और इसके बावजूद वो एक झटके में मर गए, ऐसा कैसे? यही तो हमारा हुनर है भैया, बचपन में पिताजी ने सिखाया था आपकी हिफाजत करने के लिए। क्या हुआ आपको? चीचा जी, भैया मुझे माफ कर दीजिए। चीचा जी, मैं आपसे बात करना चाहता था, पर वो आदमियों के साथ मिलकर आपके साथ ऐसा करेगा, ऐसा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैं सच कह रहा हूँ चीचा जी, क्या आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा है? मैं अपनी बहन की कसम खाकर कह रहा हूँ, मेरी बात मानिए, मेरी बात मानिए। सुनो बहन, अब तुम ही समझाओ उनको। हर कोई अपने जीजा का भला ही चाहता है, तो मैं भला उनका बुरा कैसे चाहूंगा? एक बात सुन लो बहन, अपनी जान दे दूंगा लेकिन जीजा को कुछ नहीं होने दूंगा, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। क्या हुआ है आपको? भैया इतना कुछ कह रहे थे लेकिन आप कुछ भी सुने बगैर वहां से चले आए, क्या बात है? मैं जो भी करता हूं लोगों की भलाई के लिए करता हूं, इसीलिए मैं तुम्हारे भाई की भी भलाई चाहता हूं। भैया संभा की वजह से राजेंद्र की बलि चढ़ गई। हाँ भैया, रिश्ते और दुश्मनी में रिश्ता हार गया और दुश्मनी जीत गई। ये सब आपका कमाल है। संभा को मारकर राजेंद्र को भैया से दूर कर दिया, भैया का विश्वास जीतने के लिए अपने 5 लोगों की बलि देनी पड़ी। हमारे लिए नरसिम्हा का विश्वास जीतना बहुत जरूरी है, तभी हमारा काम पूरा होगा। काम खत्म होने तक न जाने और कितने लोगों की बलि देनी पड़ी। बहुत अच्छा नाच रही है, बहुत अच्छा बेटी, बहुत अच्छा रही है। जैसा मैं कहती हूँ वही करो। जिस चिट में जो भी लिखा होगा वही सबको करना होगा, समझ गए आप लोग? अरुंधति पहला चिट तुम निकालो। लाठी घुमाना है, लाठी घुमाना। अरे चलो चलो, लाठी घुमाना। अरुंधति क्या हुआ? छोटू, पकड़ो इसे। मुझे नहीं आता है जी। तुम्हीं ने तो कहा था
किसी भी चीज को एक बार देखूं तो मैं सीख जाती हूं। मैं करके दिखाता हूं। चुप हो जाओ। औरत सिर्फ शर्म की वजह से हम मर्दों से एक कदम पीछे है। अगर वो शर्म छोड़ दे तो हमसे 10 कदम आगे निकल जाए। अरुंधति, औरत को तलवार या लाठी उठाने की इजाजत नहीं, लेकिन आज तुम्हें शिव की शक्ति बनकर अपनी ताकत दिखानी होगी। मैं भी घुमा सकती हूँ, इससे बेहतर। आप क्या घुमाएंगी? बोतल का ढक्कन। आओ वीर नरसिम्हा, आओ। ये हमारे वंश के मुख्य पुरुष श्री नाग पंचम जी का सिंहासन है, इस पर तुम बैठोगे। बैठो। तुम्हें इस तरह यहाँ बैठा देखकर स्वर्ग लोक को सिधार गए मुझे तुम्हारे पिताजी याद आ रहे हैं। मुहूर्त निकला जा रहा है, जाइए नाग पंचम जी। अजो मे सदैव रजोत्कर्षवद्भूत भेदम् विजानीश भेदम् रजोपाल हेतिम् भजे वेद शैल स्फुरन् नारसिंहम् हिरण्याक्ष रक्षो वरण्याग्र जन्म स्थिर क्रूर वक्षो हर प्रौढ दक्ष श्रीनकाग्र पर श्री सुखोग्रं भजे वेद शैल स्फुरन् नारसिंहम् निजारम्भशुं भद्भुजास्तम्भटं भद्रुडङ्गस्रवद्धक्त संयुक्त भूतम् निजागावनोद्वेन लीलानुभूतं भजे वेद शैल स्फुरन् नारसिंहम् पटुजन्यजाश्चं स्फुटालोलधाटी चटाचूट मृत्युर्वहि ज्ञान सौयम् भजे वेद शैल स्फुरन् नारसिंहम् भगवान हमारे साथ रहे इसलिए हमने ये दीप जलाया। उस दीपक की रक्षा करने तू खड़ा हो गया वीरेंद्र? वीरेंद्र जी कहिए मालिक। मुझसे या मेरे घर वालों से जब तक खबर नहीं आती तब तक इस ज्योति को कुछ नहीं होना चाहिए। मेरी जान भले चली जाए लेकिन इस ज्योति को बुझने नहीं दूंगा मालिक। शुभ मुहूर्त पर मूर्ति स्थापित होकर रहेगी। आज अखंड ज्योति जला दी गई है, अगर मूर्ति की स्थापना भी हो गई तो भिखारी बनकर रह जाएंगे हम लोग। टीवी को लाठी चलाना सिखा रहा है, तलवार हाथ में देगा। हूँ क्या हूँ। अगर वो तलवार चलाना सीख गई तो बाद में हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तब वो एक कमजोर औरत नहीं रह जाएगी, हमसे मुकाबला करने की ताकत होगी उसमें। ऐसे हालात में उसका वंश तो खत्म नहीं होगा, हमारा ही वंश खत्म हो जाएगा। रुक जाओ। 10 लोगों का भला करना हो या फिर एक का बुरा करना हो, समय के साथ साथ अपने कदम बढ़ाने होते हैं। आहिस्ते आहिस्ते अपने कदम बढ़ाओ, ऐसे डसना होगा कि सांस टूटने पर ये एहसास भी न हो कि सांस टूट रही है। मैं
मुझे आज्ञा दीजिए। बेटा संभल कर जाना और अपना ख्याल रखना। बेटी अरुंधति जाकर मंदिर से इन्हें टीका लगाने के लिए रोली ले आओ। जी माँ जी। नाग पंचम जी आइए, मैं आपको तिलक लगा देती हूँ। पवन ठाकुर, रुद्रशेखर ठाकुर, उस तलवार को नाग पंचम जी को सौंप दीजिए। ये विष्णु कहाँ चला गया? विष्णु घर पर नहीं है बेटा, दरअसल वो खुद ही मूर्ति स्थापना के सारे काम को देख रहा है। उसका पूरा ध्यान तुम्हारे ही ऊपर है। ऐसे भाई का होना सौभाग्य की बात है। सुनिए जी, वो कार्य पूरा होते ही आप घर आ जाएंगे ना? आ जाऊंगा अरुंधति। आप सबसे एक कदम आगे ही रहिएगा जी, मैं आपका इंतजार करूंगी। वीर नरसिम्हा ठाकुर की जय। वीर नरसिम्हा ठाकुर की जय। वीर नरसिम्हा ठाकुर की जय। यजमान, आचार्य जी पहाड़ पर जलाए स्वामी जी के अखंड ज्योति के साथ यहाँ आएंगे, तब तक आपको ठाकुर वंश की पग को धारण किए रखना होगा। गांव वालों के आंसू पोंछने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा, उनके दुख दर्द मिटाकर उन्हें खुश रखने के लिए अपनी जान तक देनी पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन आज मेरा पहला कार्य ईश्वर के लिए हो रहा है, ये मेरा सौभाग्य है। वीर नरसिम्हा स्वामी जी ने मूर्ति की स्थापना कर दी है। मधुमय सी, मधुमय सी है तू मेरी दिल बरा। सोने सा रूप तेरा निखरा निखरा, मन मेरा चाहे तुझे चाहे हर लम्हा लम्हा, हर पल हर घड़ी तू है बसा। अधरों पे हाँ है, अधरों पे हाँ, नगमा तेरा है नगमा तेरा, तू ही मेरी चूड़ी
रहो जन्म जन्म मेरी प्रिय तमा हमदम। हम भी तो ये कहते सनम चाहे तुझे जन्म जन्म मीठा मीठा रस है इनमें भरा। बिछड़ो ना अब कभी तुमसे सनम देख के तेरी आंखों में लगा मेरे भी दिल पे पसंद चले बस देखूं मैं तेरे सपने। सुंदर सुंदर सोना सोना रंग है ये प्यार का बांध लिया है दोनों ने बंधन ये प्यार का। ओ मोरे राजा दादी अभी आई जैसे कहा था वैसे एक कदम आगे ही रहे। आप पानी पियेंगी? नहीं पियेंगी। फल खाएंगे? ये भी नहीं। मैं फलों का रस लेकर आती हूँ। हाँ ओह मैं भी कितनी पागल हूँ। मैंने आपके लिए दूध गर्म करके रखा है अभी देती हूँ। ये लीजिए। ऐसे क्यों देख रहे हैं? सुंदर लग रही हूँ ना? सुहाग रात पर मैंने मना किया था इसीलिए अभी तक आप मुझसे नाराज है ना? रुकिए बताती हूँ। अब मैं क्या करूँ जी, सब आपकी वजह से किया। एक बार माफ कर दीजिए ना, अब बात भी करिए ना। अरुंधति मुझसे एक वादा करोगी? एक वादा ही क्या, मैं तो आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। एक झप्पी दूँ? मेरे हाथों होने वाली मूर्ति की स्थापना किसी वजह से रुक गई है, ये कार्य अब तुम करोगी। मैं करूंगी ये कार्य? वादा करो मुझसे। हाथ पकड़ने का बहाना ढूंढ रहे हैं। ठीक है जी। माँ बुला रही है, अभी आई। मुझे आपसे बहुत ही बातें करनी है, एक मिनट में आती हूँ। क्या हुआ, सब रो क्यों रहे हैं? क्या हुआ? क्या हुआ राधा, क्या बात है? बेटी अनर्थ हो गया। बेटा अनर्थ? ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? हमें भगवान पर बहुत भरोसा था, लेकिन पता नहीं भगवान ने ऐसा क्यों किया हमारे साथ। क्या बात कर रही हैं आप छोटी चाची? तुम्हारा पति अब कभी नहीं लौटेगा, कभी नहीं लौटेगा। चुप करो सब लोग। आप लोग पागल हो गए हैं क्या? मेरे पति अंदर है, आप सब लोग क्या बोल रहे हैं? सबका दिमाग खराब हो गया है शायद। क्यों, विश्वास नहीं हो रहा? मैं अपने पति को साथ लेकर आती हूँ, तब विश्वास करना। पता नहीं क्या बोल रही है सबके सब। देखिए ना ये सब लोग। Oh, my God.
ये सब क्या हो गया बेटा? बेटा नरसिम्हा, भगवान ये सब क्या हो गया? मंदिर में दिया जला करके भगवान के सामने नारियल तोड़ने के लिए अंदर गए थे, पता नहीं ऐसी क्या भूल हो गई जो भगवान को इन पर इतना गुस्सा आ गया, कैसे हंसते हंसते अंदर गए थे लेकिन बाहर नहीं आ पाए। भैया और राजेंद्रनाथ की बलि भगवान ने क्यों ले ली समझ में नहीं आता हमें। ये क्या हो गया? लगता है कि भगवान की मर्जी नहीं थी कि लोगों के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, ऐसा कहा था। इसकी महानता तो देखो। मैं आपसे वादा नहीं कर पाई पर अब वादा करती हूँ, मैं मूर्ति की स्थापना मैं पूरी करूंगी, मैं पूरी करूंगी। अरुंधति ये क्या कह रही है? बोला अरुंधति क्या हुआ तुझे बेटी? अरुंधति? अरुंधति नहीं, नागपंचल माता हूं मैं। नामकरण विधि में मेरे पति का नाम नागपंचल रखा गया था, उसी दिन से मैं उनकी आधी हो गई थी। अब मैं अपने पति से वादा कर रही हूँ, इनके संकल्प को नागपंचल माता बनकर मैं पूरा करूंगी, मैं स्थापित करूंगी। बेटी बेटी, अपने वंश की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए तुमने जो फैसला लिया है वो एकदम ठीक है, एकदम सही है। जिस घर में मृत्यु होती है वहां अगर शांति का दीपक जलाया जाए तो मरने वाले की आत्मा घर के आसपास ही भटकती है, ऐसा सुना है। इसलिए मैं जब भी आंखें खोलता हूं तो मेरा नरसिम्हा ठाकुर मेरे सामने आकर ये कहता है कि ये देव कार्य पूरा होते ही हमारे घर में बहुत बड़ा त्योहार मनाया जाता। आप सब ये मान ले कि मैं जिंदा हूं, इसीलिए आप सभी घर वाले अपना अपना मुंह मीठा करें। इसीलिए मैंने खीर बनवाई है, थोड़ा थोड़ा खाकर सब उसकी आत्मा को शांति पहुंचाओ। नरसिम्हा ठाकुर को याद करके खाओ। क्या हुआ बेटी, सो रही थी क्या? नहीं चाचा जी, सोच रही थी। मूर्ति की स्थापना के बारे में ही ना? हाँ चाचा जी। ये नहीं हो सकता। ए, क्या बोल रहे हो तुम? चाचा जी मैं मूर्ति की स्थापना करूंगी, मैंने अपने पति से वादा किया है। मेरे बेटे ने भी मुझसे वादा किया था, किसी को भी मारने से पहले उसके रिश्तेदारों को कब कैसे और कहां मारा था ये बताना हमारा फर्ज है। अब तुम सुनो, उस दिन यजमान
इस दीपक को जलाइए। इसे जलाकर यहीं रखना होगा। इस दीपक को हमेशा जलते रहना चाहिए। जलाइए। क्या हुआ पंडित जी? यजमान, गलती से ज्योत बुझ गई। इसे दोबारा जला दीजिए। ठीक है। छोटो, बुरा किया तूने। बस बस, अब कुछ मत कीजिए भैया। बस बस, थोड़ी देर और सह लीजिए भैया। ये क्या किया भगवान, भगवान! ये सब क्यों किया तूने? सत्ता पाने के लिए या जमीन हड़पने के लिए? सोचा था इस गांव में बदले की भावना खत्म हो गई है, लेकिन वो मेरे ही घर में पनप रही है, ये दिखा दिया तूने। ये क्या कर रहे हैं भैया, ये क्या कर रहे हैं? नहीं भैया। नरसिम्हा बेटा, चाचा जी ये देखिए। सिर्फ तुझे ही नहीं, उधर देख, राजेंद्र नाथ को भी तेरे साथ ऊपर भेज रहा हूँ। चाचा जी, आप भी? हाँ, मैं ही हूँ, तेरा चाचा हूँ, तेरा ही चाचा हूँ। मेरी आंखों के सामने पीढ़ियां बदल रही हैं, पर हमारा नसीब नहीं बदल रहा है। वो वैसा का वैसा ही रह गया, और तुम लोग गांव वालों से जय जयकार करवा रहे हो। हम आने जाने वाले लोगों का सिर्फ हिसाब किताब ही देखते रहे। मेरा बेटा जब जब तलवार लेकर तेरे पीछे घूमता था तो मेरा कलेजा फटता था, मेरी नसें एक एक करके फटती थी। इसीलिए मैंने तुम्हारी नसें कटवा डाली। और इसीलिए ये सब करने के लिए हम तुमसे अलग नहीं हुए, तुम्हारे घर पर ही रहे। अपने ही घर में कुत्तों की तरह रहते थे हम। पालकी में बैठे हुए भगवान को अगर लोगों के सामने धक्का देकर फेंक दिया जाए तो ऐसा करने वाले की लोग जान ले लेंगे। पालकी पर बैठने वाला ही किसी पालकी पर बैठे हुए आदमी को गिरा सकता है। इसीलिए हम लोग हमेशा तुम्हारे साथ ही रहे। हजारों एकड़ जमीन, करोड़ों की धन दौलत, सोना, चांदी, ये सब मेरे होंगे। समझ ले, तेरी करतन मेरे जबड़ों में आ ही गई। काट कर मार सकता हूं तुझे, लेकिन मैं अपने वंश को मिटाना नहीं चाहता। भाग यहां से और अपनी जान बचा। पंचल कोना लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी, इस वंश के लोग भी आपकी स्थापना करेंगे। ये वीर नरसिम्हा ठाकुर दोबारा इस वंश में पैदा होकर आपकी मूर्ति की स्थापना अवश्य करेगा। सहन करो बेटी, सहन करो। ये सब तुमसे पहले ही ऊपर चले गए हैं बेटी। बेचारे नरसिंह ठाकुर को याद करते ऊपर चले गए बेचारे। विश्वासघाती यही है माँ। माँ उठो, उठो ना माँ, उठो माँ, उठो।
ये जगत जननी का नगर तुम्हारी रक्षा करेगा। जय माता। बैठो बैठो सोनी। अगर मेरे संकल्प के बीच में किसी ने भी आने की कोशिश की तो उसे ये शरीर नहीं मिलेगा, सिर्फ राख ही मिलेगी। दफा हो जाओ। स्वामी जी मैं हूं ना, अभी चलो। शादी को कितने दिन हुए हैं? दो दिन हुए हैं। पति और पत्नी पहली तीन रात अपने घर में साथ सोते हैं तो ब्रह्मघाट पड़ जाती है। जब आत्मा एक शरीर में तीन दिन तक सोती है तो ब्रह्म रंध्रम से प्राण निकल जाते हैं। हाँ? तो सोहिनी मुझे नहीं मिलेगी क्या? अगर वापस चाहिए तो आज की रात किसी भी हाल में उसे सोने नहीं देना। अगर उसे सोने नहीं देना है तो जिस घर में वो रही है वहां श्री चक्र पूजा करनी होगी। नमस्ते स्वामी। नमस्कार। आइए। अंतिम बार तुम्हारी पत्नी ने जो कपड़े पहने थे वे ले आओ, जाओ। श्री चक्राय नमः। चक्रदेव्ये गंथम परिगथम यामि। बेटी अरुंधति, अपने पति से जो तूने वादा किया था उसे पूरा करने का समय आ गया है, उसे पूरा करो बेटी। अरुंधति, मैं हूं वेंकटाचार्य। आपके वंश से जुड़े उस भगवान की स्थापना की जिम्मेदारी को मेरे पिता ने मुझे सौंपी थी। मूर्ति स्थापना के रुके हुए कार्य को पूरा करने हेतु मैं अपने प्राण हाथ में लेकर प्रतीक्षा कर रहा हूं। है क्यों? उस वीर नरसिम्हा ठाकुर जी के पराक्रम को मैं जानता हूं। उस पुनीत कार्य को पूरा करने हेतु आप यहां आई हैं। जब मैंने यह सुना तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हुई, परंतु वो देव कार्य है, इसीलिए पराये शरीर में बसी आपकी ये आत्मा स्वयं उस कार्य को संपन्न करना चाहती है, ये उचित नहीं। मेरे पति वीर नरसिम्हा ठाकुर के वंश में जन्मे चंदन ठाकुर से ही इस कार्य को संपन्न करवाइए। सारी तैयारियां कीजिए। ओम चक्रदेविये नमः। ओम श्री चक्राय नमः। Yeah.
ये लो नरसिम्हा ठाकुर की तलवार, जब तक उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े नहीं करोगे तुम्हारे जीजा की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अगर किसी वजह से वो तुमसे बच भी गई तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे। वो जिस कार्य को करना चाहती उससे पहले हम उसे मार डालेंगे। रुको, इसे मारने के लिए हम लोग इसके पास जा रहे हैं, ये तो हमारी ओर आ रही है। ये चलो चलो छुप जाओ। चलो चलो इसे घेर लो। मैं समाधि के पास कैसे? ये समाधि सोने की जगह है क्या? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे जाने दीजिए प्लीज। बहुत डर लग रहा है तुम्हें? ये लीजिए, पकड़िए इसे। ये श्री चक्र हमारे गुरुकुल की गुरु राशि है। ये बहुत शक्तिशाली है, तुम्हारे पूर्वजों ने लिया था। इसे रक्षा कवच के रूप में लिया होगा। इस रक्षा कवच को जिस जगह पर होना चाहिए था उस जगह पर नहीं है, ये भी एक कारण है। इसे ले जाकर यथास्थान पर रख दो। मेरे जीजा को इन्हीं हाथों से मारा था ना? छोड़ो मुझे। हट। लेकिन ये आत्मा हमेशा उस दैव कार्य को पूरा करने के लिए वो तुम्हारी पत्नी के शरीर में कभी भी घुसने की कोशिश करती रहेगी। इस वंश में जन्मे हुए तुम अगर उस दैव कार्य को पूरा करोगे तो इस आत्मा को शांति मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, तब तक किसी भी हालात में ये आत्मा बाहर नहीं आनी चाहिए। जी स्वामी जी। इसे संभाल कर ले जाकर नाग पेंचल माता की समाधि से 3 कदम दूर पृथ्वी में गाड़ देना। उसके बाद बिना पीछे मुड़े चले आना। अगर आपसे कोई भूल होती है तो बाहर आई आत्मा को मैं किसी भी तरह रोक नहीं पाऊंगा। स्वयं साक्षात श्री चक्र स्वरूपनी मां भी तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर पाएंगी। संभल कर। जी स्वामी जी। विजयी भव। Hey! Oh! Oh! Oh!
अरुंधति, औरत को तलवार या लाठी उठाने की इजाजत नहीं, लेकिन आज तुम्हें शिव की शक्ति बनकर अपनी ताकत दिखानी होगी। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे मारा मुझ पर। ये वीर नरसिम्हा ठाकुर का लिया हुआ संकल्प है, इसे कोई नहीं रोक सकता, ये होकर ही रहेगा। रायल सीमा में देवरूनी कोंडा नाम के एक छोटे से गांव में कुछ दिन पहले एक अद्भुत घटना घटी जिसने पूरे राष्ट्र को ही हिलाकर रख दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस गांव की एक औरत खुद को नाग पंचल माता की आत्मा बताती है। कुछ साल पहले पेंचल कोना ने लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी की मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए थी। उस समय उन्हें कुछ लोगों ने षड्यंत्र रचाकर उन्हें और सारे घर वालों को बुरी तरह मार दिया था, और अब वो आत्मा स्थापना का काम पूरा करने के लिए उसके शरीर में है, ऐसा वो कहती है। इन सब के चलते डीजीपी हियर, इस नाग पेंचल माता के समाधि गुड मॉर्निंग सर, कुछ लोगों की लाशें मिली। यस सर, गांव का कोई हम सब बंदोबस्त कर देंगे सर, औरत को रोकने का या ओके सर, सामना नहीं बाय सर। अब सिर्फ कुछ घंटों बाद वो नाग पंचल माता मूर्ति की स्थापना करने वाली है, और जिसमें कोई भी समस्या खड़ी हो सकती है। लोग बहुत ही उत्तेजित होकर एसपी जी को इन्फॉर्म कर दिया है क्या? इन्फॉर्म कर दिया, ऑन द वे है सर। सर, मिस्टर मुरली, मैंने अब तक अपनी सर्विस में ऐसी अनकही अनदेखी बात आज तक नहीं देखी है। अगर इस विषय पर हमने तुरंत कोई एक्शन नहीं लिया तो पूरा देश तहस नहस हो जाएगा, ये बात अभी होम मिनिस्टर साहब ने फोन करके बोली है। अभी जो होगा वो मामूली कार्य नहीं है सर, कई सालों से रुका हुआ देव कार्य है, कई हजार लोगों के सामने नाग पेंचल माता की नजरों के सामने होने वाला है, अब इसे रोकना हमारे बस में नहीं सर। तुम जल्दी से जाकर सच और झूठ का पता लगा के उस नाग पेंचल माता को मानकर लोग जिसकी पूजा कर रहे हैं अगर वो ढोंगी निकले तो उसे तुरंत अरेस्ट कर लेना। आत्मा को करूं या उस लड़की को? क्या आत्मा? हाँ सर, ये कार्य वो आत्मा ही करवा रही है ऐसा लोगों का कहना है। ठीक है, लेकिन कोई जान नहीं जानी चाहिए और किसी को भी किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। जैसा भी डिसीजन हो तुम स्पॉट पर ले लेना, मैं तुम्हें पूरी पावर्स दे रहा हूँ। ओके सर, ऑल द बेस्ट। इस मूर्ति की स्थापना को देखने के लिए देश के कोने कोने से भक्त भारी तादाद में आ रहे हैं। भक्तों की सुविधा के लिए सरकार ने बसों की सुविधा बढ़ा दी है। किसी भी तरह की समस्या ना हो इसीलिए पुलिस प्रशासन ने पक्की तरह से बंदोबस्त किया हुआ है। कई साल पहले मेरे पति के शुभ चिंतक होकर आज भी हमारे परिवार का गौरव बढ़ाने वाले रामनाथ और शिवराज के साथ मैं स्वागत करती हूँ।
इस मूर्ति की स्थापना का कार्य पूरा हो जाने के बाद उस अखंड ज्योत को कोई हानि नहीं होनी चाहिए। इतने दिनों से भगवान की स्थापना किए बिना एक वीरान इलाका बना हुआ था ये, पर मूर्ति की स्थापना के बाद पवित्र भूमि बनकर कई ऊंचाइयों को छुएगा ये। यहाँ के 45 गांव के लोग सुख और शांति से जिएंगे और इस बात की सारी जिम्मेदारी लेंगे रामनाथ और शिवराज। पेंचल माता की जय। 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 आप महान हैं माता, हम पर विश्वास करके आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। इस मंदिर के हम ध्वज स्तंभ बनकर खड़े रहेंगे। दीदी, मुरली आखिर कर ही दिखाया तुमने। हाँ अरुंधति दीदी, पुलिस वाले कभी नहीं रोते बल्कि लोगों के आंसू पूछते हैं। दीदी आप इस देव कार्य को करवा रही हैं, मैं यहां बंदोबस्त में आया हूं। बेटी, गर्भ मंदिर के इस पुनीत कार्य को कुछ कारणों की वजह से दोबारा शुरू करना पड़ रहा है। वीर नरसिम्हा ठाकुर ने नाग पंचम बनकर जिस अखंड ज्योति को जलाया था, कई सालों से पारंपरिक रूप से जलती चली आ रही है। वो कुछ देर बाद पहाड़ से यहाँ आ जाएगी। आपके द्वारा प्रज्वलित ये दीपक उस दीपक के साथ मिलकर अखंड ज्योति बनकर हमेशा जलती ही रहेगी। इसे जलाओ बेटी। और हाँ बेटी, पहाड़ पर अखंड ज्योति की रक्षा में बैठे वीरेंद्र आपके आदेश के बाद यहाँ आ रहे हैं। नरसिम्हाया, नरसिम्हाया, ऐ वीर नरसिम्हाया। नरसिम्हाया, नरसिम्हाया, जय वीर नरसिम्हाया। भूखों को रोटी, प्यासों को पानी तुमने दिया है, तुम सबके मालिक। तुमसे है उम्मीदें, तुमसे है सपने, तुमको ही माने या जय नरसिम्हा। उस अखंड ज्योति को देखकर ऐसा लगता है कि फिर से नरसिम्हा ठाकुर जी आ रहे हैं।
दीदी, 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 अरुंधति दीदी, दीदी, तुम राधा हो ना? दीदी, अच्छी तो हो ना? बस सबका सपना पूरा होने वाला है दीदी। क्या हुआ राधा? दीदी यही है वो। क्या हुआ? यही है वो धोखेबाज, तुम पर पीछे से वार करने वाले कुत्ते कमीने, यही है दीदी, यही है वो, यही है। हमसे गलती हुई दीदी, मुझे छोड़ दीजिए दीदी, मुझे माफ कीजिए दीदी, मुझे माफ कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, नहीं नहीं माफ कर दीजिए, नहीं 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 माफ कीजिए, देखिए माफ के हाथ छोड़ते राधा बहन, लगाओ तिलक। दीदी, दीदी, क्या हुआ? सोहिनी, सोहिनी, दीदी, हुआ मेरी बेटी को? क्या हुआ? जय नरसिम्हा। अब आप लोग लक्ष्मी नरसिम्हा भगवान का आशीर्वाद लेंगे।